नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube अकाउंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एयरटेल रिचार्ज प्लान लिस्ट मतलब एयरटेल के 28 दिन के वो सारे प्लान को डिस्कस करेंगे। अगर आपको केवल कॉलिंग यूज करना है, मतलब आपको केवल कॉलिंग इनकमिंग आउटगोइंग केवल 28 दिन के लिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो आपको कितने का पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको डाटा भी यूज करना है तो वो प्लान आपको कितने का पड़ेगा। डाटा में दोस्तों आप 1.5 GB, 2 GB, 3 GB तक के प्लान हैं, उन सारे प्लान को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अगर दोस्तों एक बात और बता देते हैं, अगर आपको फ्यूचर में भी एयरटेल ही यूज करना है तो आप 28 दिन का रिचार्ज ना करा के हायर प्लान रिचार्ज कराइए, जैसे 84 दिन का या 56 दिन का। उसमें आपको क्या है दोस्तों, 28 दिन के कंपेयर में वो थोड़ा सा आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे चलते हैं, 28 दिन के वो सारे प्लान को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये रहा आपका 28 दिन के एयरटेल के सारे प्लान लिस्ट। तो इसमें सारे प्लान लिस्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले प्लान आता है एयरटेल में, 179 का, इसमें दोस्तों अगर आपको केवल कॉलिंग करनी है, मतलब आपके यहाँ वाईफाई लगा है या फिर आप डाटा यूज नहीं करते, आपको केवल इनकमिंग आउटगोइंग ही यूज करना है, तो आपको 179 का रिचार्ज करना होगा। इसमें आपको 2 GB पर डे नहीं मिलता, ये 2 GB टोटल 28 दिन के लिए मिलेगा आपका। अगर 28 दिन में, अगर मान लीजिए आपका 5 दिन में ही 2 GB ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आप केवल 64 KBPS के ही स्पीड से नेट यूज कर सकते हैं। ये आप दोस्तों कुछ नहीं कर सकते इसमें, इतना जान लीजिए। और इसके साथ साथ इसमें आप अगर कभी भी आपको नेट की आवश्यकता पड़ गई तो ऐड ऑन कर लीजिए, डाटा प्लान रिचार्ज कर लीजिए। वो दोस्तों करीब आपको 3 GB 60 रुपये के लगभग मिलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। और इसके साथ साथ 179 में आपको 300 SMS मिलते हैं 28 दिन के लिए, मतलब आप 300 SMS पूरे महीने यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप SMS नहीं कर सकते। अगर ये आपके प्लान मतलब 300 SMS ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको 1 रुपये और 1.5 रुपये लोकल और SD का देना होगा। अगर आप SD करते हैं तो 1.5 रुपये देना होगा, लोकल करते हैं तो 1 रुपये देना होगा। और दोस्तों इसमें बाउंडेशन है कि एक दिन में आप केवल 100 ही SMS कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप सोचिए कि एक दिन में हम 300 SMS कर दें, तो नहीं कर सकते। इसमें आपको केवल 100 ही SMS पर डे के मिलेंगे, मतलब पर डे इन द सेंस कि एक दिन में 100 SMS कर सकते हैं और टोटल आपके पास 300 ही SMS हैं। अब यहाँ पे इससे हायर वर्जन जो है 265 का प्लान आता है 28 दिन के लिए। इसमें क्या है, 1 GB पर डे है और इसमें SMS जो है दोस्तों 300 SMS पूरे महीने के जो मिलते हैं, इसमें 300 ना मिलके 100 SMS पर डे के मिलेंगे। इसके बाद वैसे ही प्लान है कि 1 रुपये लोकल, 1.5 SD SMS के चार्ज कटेंगे और ये 64 KBPS है 1 GB ख़त्म होने के बाद। अगला जो है वो 299 का है। ये दोस्तों मैक्सिमम लोग यही प्लान यूज करते हैं, 1.5 GB पर डे का आपको ये रिचार्ज करना होगा। 300 का आपको पड़ेगा, 1.5 GB पर डे 28 दिन के लिए, 100 SMS डेली मिलेगा आपको। अब इसके बाद जो अगला आता है दोस्तों, 359, 2 GB पर डे, 100 SMS डेली के। अब इसके बाद ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये वाला प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है, 599, मतलब ये केवल आपको 600 में मिल रहे हैं। इसमें दोस्तों उतना प्राइस नहीं हो लगेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार 1 ईयर के लिए फ्री में मिल जाते हैं, साथ में 3 GB पर डे मिलते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, 600 में 3 GB पर डे 28 दिन के लिए है। और इसके साथ साथ इसमें आपको 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिल जाता है, इसी नंबर पे, जिस नंबर पे आप ये रिचार्ज करेंगे इसी नंबर पे ये आपको मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये 28 दिन के सारे प्लान रहे दोस्तों। आगे हम कभी किसी वीडियो में कंपेयर करेंगे जियो वर्सेस एयरटेल 28 दिन के प्लान से। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।